दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी आहिस्ता आहिस्ता। रात के 11 बज रहे थे। दोनों हाथ कमर पर टिकाए मैं पलंग पर बिखरे कपड़े देख रही थी। उसमें से एक जैकेट बैग में रखकर मैंने कनखियों से वहीं बैठे मानस को देखा। फिर बैग बंद करते हुए बोली, अपना बैग लगा लिया मैंने, तुम्हारा अभी बाकी है। मेरे बैग की अधखुली चेन बंद करके वो बोला, डोंट वरी शालू, मैं लगा लूँगा। बड़ा आया डोंट वरी वाला। बुदबुदाते हुए मैं बिस्तर का कोना पकड़ के लेट गई। कल सुबह की ट्रेन थी नैनीताल के लिए। मेरा कोई मन वन नहीं था, लेकिन ननद ने टिकट बुक करा दी थी हमारे लिए। फिर न मानस मना कर पाया न मैं। कमरे की लाइट बंद कर मानस टॉर्च जलाकर अपना बैग लगाने लगा। मैंने उठकर लाइट जला दी। अरे इतनी एडजस्टमेंट क्यों, मैं भी करूं इसलिए। झुंझलाते हुए मैं वापस लेट गई। एक महीना हो गया था हमारी शादी को और अब तक मैं उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बना पाई थी। पहली मुलाकात में मानस घर में सबको भा गया था सिवाय मेरे। सबको मानस पे प्यार आता और मुझे गुस्सा। वो तो शादी के लिए पापा के समझाने पे मैं थोड़ा पिघली थी, वरना जबरदस्ती और मुझसे। अगली सुबह ट्रेन और हम दोनों टाइम पर थे। मानस सीट के नीचे सामान एडजस्ट कर रहा था। मैं चुपचाप बैठी दांत पीसते हुए ट्रेन में इधर उधर देख रही थी। मानस अपनी हथेली मेरे हाथ पर रख के बोला, कूल डाउन। झटके से हाथ खींच के मैंने कहा, तुम रहो कूल डाउन, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैंने गर्दन घुमा ली। मुझे नहीं जाना था नैनीताल, वो भी इसके साथ। वो मेरे बगल में बैठते हुए बोला, बहुत खूबसूरत है नैनीताल, मेरा तो घूमा हुआ है कई बार, तुमने नहीं घूमा ना। घूमा नहीं मतलब? मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। कॉलेज टाइम में बैकपैक लेके अकेले निकल जाती थी। लद्दाख गए हो तुम, मुन्नार, रायपुर का वाटरफॉल देखा है? मैंने घूमा है, वो भी अकेले। आई लव टू ट्रैवल अलोन। मुझे सुनते हुए वो थोड़ा सहम गया। आसपास के लोगों को देखते हुए बात बदल दी, तुम डबल कंबल ले लेना, एसी बहुत तेज है। मैं कंबल खींच कर अपनी सीट पर लेट गई। उसने होटल की डिटेल्स, एटीएम और काफ़ी सामान मुझको पर्स में रखने दिया और फिर ऊपर बर्थ पे लेट गया। सीट से बाहर झूलते मानस के हाथ को देखते देखते मुझे भी नींद आ गई। काफ़ी देर बाद मेरी आँख खुली। मानस, वॉशरूम जाना है, मैंने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। मैंने उचक्कर देखा तो वो वहाँ नहीं था। वॉशरूम गया होगा, मैं उसका इंतज़ार करने लगी। मिनट मिनट करके आधा घंटा बीत गया। उसका नंबर मिलाया तो नॉट रीचेबल जा रहा था। मैंने कोच के बाहर जाके देखा, साथ वाले कोच भी चेक किए, स्टाफ से भी पूछा, लेकिन कुछ नहीं पता चला। मुझे यूं ट्रेन में अकेला छोड़कर बिना बताए पता नहीं कहां चला गया था मानस। बाहर से आती ट्रेन की धड़ धड़ की आवाज मेरी धड़कनों से लग रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ी रात को अपने साथ दौड़ते देखने लगी। डर लग रहा था कि कहीं उसके साथ कोई हादसा। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा, खुद को तसल्ली देते हुए मैं वापस आकर बैठ गई। दोबारा उसका नंबर मिलाने के लिए मोबाइल ऑन किया तो इनबॉक्स में मानस का मैसेज था, मैं रास्ते में उतर रहा हूँ, मेरी टेंशन मत लेना, एंजॉय योर ट्रिप। टेंशन मत लेना? मुझे क्यों होने लगी उसकी टेंशन? पर यह कोई तरीका है? अरे यही करना था तो पहले बता देता ना, मैं कौन सा मरी जा रही थी उसके साथ घूमने को। अगर अभी वो मेरे सामने होता ना तो मैं खुद उसको ट्रेन से उतार देती। मैंने झल्लाकर अपना फोन अपने पर्स में डाला और साइड में रखी पानी की बोतल उठाकर गटागट पानी पी गई। अजीब आदमी है, बुदबुदाकर मैंने सामने देखा। सीट पर लेटी आंटी कंबल में से झांक कर मुझको देख रही थी। उनको नजरअंदाज करके मैं आंखों पर बाजू रख के लेट गई। कोई 5 महीने पुराना वक्त जैसे मेरे ही इंतजार में था। उस रोज मानस और मैं पहली बार मिले थे। शांत सुलझे मानस से पापा ने मेरा इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, आप जितने शांत हैं ना, शालू उतनी ही चुलबुली है। मैंने पापा को आंख दिखाई। मुझे नजरअंदाज करके वो बात करने के लिए हमें अकेला छोड़ गए। हमारे बीच बात बात जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मानस ने बस ये कहा, मुझे पसंद है आप। अब मैं क्या कहती, सोच के तो आई थी कि इतने सवाल पूछूंगी कि उसके जुगनू उड़ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं पूछ पाई। लड़का इतना सीधा है पापा, कैसे निभेगी मेरी, ये कहकर मैंने मना किया था। लेकिन उसके बाद जैसे घर में सब मुझसे बैठाने बैठ गए। आते जाते मानस की बस तारीफें सुनाते रहते।
मैं जितना सुनती उतना उससे कुड़ती। पापा के लाख समझाने पर शादी के लिए मैंने हाँ तो कर दी थी, लेकिन यह फैसला किया था कि मैं खुद को नहीं बदलूंगी। यह प्यार व्यार पति परमेश्वर वाली थियरी मुझ पे लागू नहीं होगी। ट्रेन झटके से रुकी। मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, ओस जमने लगी थी। पहाड़ों के करीब पहुंचने लगी थी ट्रेन। मैंने एक नजर मानस की सीट की ओर देखा। ये मानस समझता क्या है अपने आप को? सोचता होगा ना कि मैं अकेले घूम नहीं पाऊंगी, डर के वापस घर लौट जाऊंगी, और घर वालों को क्या कहूंगी कि मेरा पति बीच रास्ते में मुझे अकेले छोड़ के आ गया। नहीं, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। और हाँ, एक मिनट, मैं वापस जाऊं ही क्यों है? कंबल थोड़ा फैलाकर मैंने समेटे हुए पांव लंबे कर दिए। लगा जैसे अनजाने में समेटे पंख फिर से फैला दिए हों। मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए, नैनीताल तो घूमकर आना ही है, वो भी अकेले और फुल एंजॉय करके। कायदे से तो मुझको मानस की चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन वो कोई बच्चा थोड़े था कि कहीं खो जाएगा। एक बार इस बेपरवाही के लिए मुझको गिल्ट भी हुआ, लेकिन मैंने ये कह के खुद को समझा लिया कि गिल्ट तो मानस को होना चाहिए, आखिर अकेले तो वो मुझको छोड़ के गया था। मोबाइल निकाल कर मैंने टाइम देखा। अभी काठगोदाम पहुंचने में 3 घंटे बाकी थे। मैंने वापस कंबल सर तक खींच लिया। अतीत फिर बगल में आकर बैठ गया। हम दोनों बेहद अलग थे, एक पूरब दूसरा पश्चिम। मैं इतनी भी अड़ियल नहीं थी, बस थोड़ा जिद्दी थी, वो भी सिर्फ मानस के लिए। पापा ने समझा कर भेजा था कि बेटा वही तुम्हारा घर है, अच्छे से रहना, सबका कहना मानना। मैंने भी हाँ में गर्दन हिला दी थी। अरे क्या जाता है बस सर को हिलाने डुलाने में। और ऐसा नहीं था कि मैं किसी का कहना नहीं मानती हूँ, माँ जी की हर बात मानी मैंने, ननद के साथ भी सहेली की तरह रही। हाँ, अगर मेरे जिद्दी पने की कोई शिकायत कर सकता था तो वो सिर्फ मानस। शादी के 3 रोज बाद उस सुबह मानस मुझको नाश्ते के लिए बुलाने आया। बाकी रोज ननद बुलाने आती तो एक बार कहने पर चली जाती थी मैं, लेकिन आज मानस आकर 3 बार बुला गया। मैंने भी ठान रखी थी कि जाना नहीं है। नाश्ता यहीं लगवा लाऊं क्या? अब की बार उसने पूछा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे भूख नहीं है, जब होगी आके खा लूंगी। मैंने अपनी आवाज जानबूझकर थोड़ी ऊंची कर ली। अलमारी से कुछ चॉकलेट्स निकालकर उसने मेज पे रखी और चला गया। मैंने उचक कर देखा, मेरी फेवरेट डार्क चॉकलेट थी। ये सीधे साधे टाइप के लड़के मुझको रत्ती भर पसंद नहीं है, और ये मानस तो बिल्कुल भी नहीं। एक रोज मानस फिल्म की 2 टिकट लेके आया। पता नहीं उसको किसने बता दिया था कि मेरा फेवरेट हीरो सलमान है। तैयार हो जाओ, मूवी देखने चलेंगे, उसने शाम को दफ्तर से लौट कर कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर बोला, तुम्हारे सलमान की है? तुम्हारे सलमान कहने पे आई हंसी रोकते हुए मैंने कहा, सुबह से सरदर्द की 3 गोलियां खा चुकी हूं, अब फिल्म देखने गई तो और बढ़ जाना है। उसने ओके कहा और टिकट अपने किसी दोस्त को दे दी। जाने किस मिट्टी का बना था वो। डिनर के लिए कहीं का प्लान करता, मैं साफ मना कर देती। वो मेरे लिए तोहफे लाता तो पसंद नहीं है कह के वापस लौटा देती। वो कुछ नहीं कहता, नाराजगी भी नहीं जताता, बस मेरी पसंद को जानने की कोशिश करता रहता। फिर आज क्या ट्रेन में कुछ ज्यादा बोल गई थी मैं? वो इस तरह बिन बताए बीच रास्ते में उतर कर क्यों चला गया होगा? ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। यहाँ से नैनीताल टैक्सी से जाना था। मैं अपना बैग खींचते हुए प्लेटफॉर्म पे चलने लगी। ठंडी हवा मुझे सहरा रही थी। मैंने कंधों से खिसकता शॉल कस लिया, वो शॉल जो मानस ने रखा था मेरे लिए। तकरीबन 2 घंटे बाद मैं होटल के रिसेप्शन पर खड़ी थी। रूम की चाबी पकड़ाते हुए रिसेप्शन पर खड़ा लड़का बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैंने हिचकते हुए कहा, ही विल जॉइन मी इन अ डे और टू, नो प्रॉब्लम मैम, फील कंफर्टेबल इन होमली, मुस्कुराकर उसने कहा और मेरा सामान कमरे तक पहुंचाने के लिए सर्विस बॉय को आवाज लगा दी। कमरे के भीतर दाखिल होते ही लगा जैसे मैं मानस के कमरे में आ गई हूं। वही हल्के बादामी रंग के पर्दे, बेड के किनारे एक छोटा सा स्टूल, मानस को ऐसे ही हल्के रंग पसंद थे। ये सोचते हुए मानस का ख्याल मेरे आसपास डोल गया। क्यों याद आया वो? मैं तो इन 4 दिनों में उसको बिल्कुल भी याद नहीं करने वाली हूं। ख्यालों वाले मानस को झटक कर मैं धम से बिस्तर पर लुढ़क गई। ये आजादी का ख्याल भर ही कितना अच्छा होता है।
जहां मर्जी मुड़ गए, जहां मर्जी ठहर गए। अगर मानस होता तो कितना फॉर्मल रहना पड़ता है ना। वैसे भी मुझे हनीमून मनीमून का ट्रेंड समझ नहीं आता है। अरे किसी अनजाने के साथ क्या घूमना, सारी ट्रिप तो सॉरी एक्सक्यूज मी में निकल जानी है। मेरे हिसाब से तो ये अरेंज मैरिज ही बहुत फनी कॉन्सेप्ट है। लड़के लड़की की सोशल इकोनॉमिक स्कैनिंग की और जोड़ दिया एक दूसरे के साथ है। शाम की ठंडक मौसम में उतरने लगी थी, मैं लिहाफ ओढ़े बैठी थी तभी इंटरकॉम बजा। रिसेप्शन से फोन था, कह रहा था टैक्सी आई है, लेकिन मैंने तो कोई टैक्सी बुक नहीं की थी। खैर मैं पर्स उठाकर बाहर चली आई। टैक्सी में बैठकर मैंने पर्स खोलकर वॉलेट चेक किया और मानस का दिया सामान देखने लगी। ATM, ID प्रूफ, लिफाफे में कुछ रुपए और एक छोटी नोटबुक रखी थी। उसमें मानस ने पूरा ट्रिप शेड्यूल लिखा था। ड्राइवर मुझे नैनी झील ले आया। मैं उसे पैसे देने लगी तो वो बोला, मैडम आज से 5 दिनों के लिए टैक्सी बुक है, शेड्यूल तो सर ने बता ही दिया था। वैसे सर नहीं आए क्या? मैंने पलट कर अपने बाई ओर देखा, जैसे अगर मानव आता तो शायद बाई ओर ही खड़ा होता, आती जाती गाड़ियों से मुझको बचाता हुआ। मैंने उस ड्राइवर को मना किया और चुपचाप झील किनारे आकर बैठ गई। झील के पानी में चांद ऐसे डूबता है ना जैसे नींद भरी आंखों की ना पुतली बंद होती है। झील को निहारते वक्त मानस की बात याद हो आई। यहाँ आने से पहले वो कितना बताता था यहाँ के बारे में, जैसे इस जगह से कितनी मोहब्बत है उसको। हथेली पर अपनी ठोड़ी टिकाए कभी मैं झील में डूबती तो कभी मानस की कही बातों को याद करके उबर आती। ये फर्जी इंसान इतना क्यों मेरे जहन में फिर रहा था। एक्सक्यूज मी, योर फोन इज रिंगिंग, एक अजनबी ने टोका तो ध्यान टूटा। 4 मिस्ड कॉल पड़ी थी घर से। मैंने वापस कॉल लगा दी। मेरा दिल बैठने लगा। अगर किसी ने मानस के बारे में कुछ पूछ लिया तो क्या कहूंगी। पिछले 2 घंटे से मैं होटल के रूम में लाइट बंद किए लेटी थी। दिमाग में रह रहकर ननद की कही बात गूंज रही थी। मुझे छेड़ते हुए उसने कहा था, भैया तो बहुत खुश लग रहे थे, बोल रहे थे नैनीताल इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा। आप बताओ ना भाभी, इतने खुश क्यों है भैया। मानस ने घर पर नहीं बताया था कि हम साथ नहीं है और वो वापस घर भी नहीं गया। वो मेरे साथ है, खूब खुश है, ये सब क्यों कहा होगा उसने उनसे, कहीं मुझको जलील करने। नहीं नहीं, इतना बुरा नहीं हो सकता था वो। मेरा एक मन मुझे उसके खिलाफ भड़काता तो दूसरा मन उससे मुकर जाता। लाइट जलाकर मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। खिड़की पर ओस जम गई थी। मैंने बेख्याली में ही उंगली फिराकर कुछ लिख दिया, मानस का नाम। पता नहीं यहाँ पहाड़ों में रातें लंबी होती हैं या फिर मुझे ही नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलकर जैसे तैसे रात गुजारी। सुबह जल्दी से तैयार होकर लॉबी में बैठ गई। गले में वही शॉल लपेटा था, मानस वाला। लॉबी में कोई भी नया शादीशुदा जोड़ा निगाहों से गुजरता तो अजीब सा लगता, जैसे मैं यहाँ इस माहौल में एक अजूबा हूँ, नई शादीशुदा लड़की लेकिन अकेली। कोई मेरी ओर देखकर मुस्कुराता तो लगता जैसे मुझ पर हंस रहा हो। वक्त काटने के लिए मैं झूठ मूठ अपने पर्स को टटोलने लगी। हाथ में फिर वही मानस वाली नोटबुक आ गई। कितनी साफ राइटिंग थी उसकी, सीधे साधे अक्षर जिनको पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। वो भी तो ऐसा ही था, उसको समझना भी कहाँ मुश्किल था। उसकी खुशी, उसकी फिक्र सब तो समझ लेती थी मैं, और गुस्सा। मैम टैक्सी आ गई है, हाउसकीपिंग वाले लड़के ने टोका तो मैं चौंक गई। कहकर मैंने पर्स उठाया और बाहर चली आई। टैक्सी ड्राइवर आज फिर मेरे पीछे देख रहा था। मैंने टैक्सी का दरवाजा बंद करते हुए कहा, चलिए आज कहाँ जाना है। वो बोला, आज तो नैना देवी मंदिर के लिए कहा था साहब ने, सुबह भीड़ होती है ना इसलिए जल्दी नहीं आया मैं। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने कोई पहाड़ी गाना चला दिया। बोल समझ में नहीं आए लेकिन लग रहा था जैसे कोई बिरहन अपने प्रेमी को पुकार रही हो। मेरी आंख भर आई, मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मुझको, मैं इतनी कमजोर नहीं थी कि मैं किसी भी, हाँ किसी भी बात पे रो पड़ूं। फिर आज ऐसा क्यों हो रहा था। एक पल मानस का ख्याल आता फिर आंखें गीली हो जाती।
मंदिर के दर्शन करके मैं जल्दी बाहर आ गई। वहीं मंदिर के बाहर दीवार से टेक लगाकर खड़ी रही। कहीं जाने का मन नहीं हुआ, न किसी और जगह, न वापस होटल। एक बेजारी सी छाई थी। मन भागा भागा फिर रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, जैसे मानस को ढूंढ रहा हो। कभी कभी दूरियां भी जरूरी होती हैं। मानस का यूं दूर जाना मुझे उसके इतना करीब ले आएगा, ये मैं नहीं जानती थी। मंदिर से होटल लौटते वक्त उसका नंबर मिलाती रही, लेकिन कॉल नहीं लगी। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया मानस का, होप यू आर एंजॉयिंग। दिल में आया कि अभी कॉल करके बुला लूं उसको, अधिकार से ये कह दूं कि नहीं, मैं एंजॉय नहीं कर रही हूं तुम्हारे बिना। ये खूबसूरती, ये मौसम, ये नजारे, ये सब कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। उफ, ये क्या हो गया है मुझको, ये मानस को ढूंढना, उसके लिए छटपटाना, ये सब कैसे। बिंदास बेपरवाह शालू किसी तलहटी में बैठी जा रही थी, और जो ऊपर उठकर आ रहा था वो क्या प्यार था। ये सोचते हुए गालों पर बूंद फिसल गई। मैंने शॉल से पोंछ लिया। टैक्सी ड्राइवर रियर व्यू मिरर में मुझको देख रहा था। मैं खिसक कर दूसरी तरफ बैठ गई। मानव को रिप्लाई किया, मैं कल की टिकट बुक करा के वापस जा रही हूं, एंड आई रियली एंजॉयड अ लॉट। होटल आकर मैंने टिकट बुक करा ली। मुझे पता नहीं था मानस कहाँ होगा, कि मेरे अकेले घर पहुंचने पर घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, और सच कहूं तो मुझे अब उसकी परवाह भी नहीं है। शाम से रात हुए कितना वक्त गुजरा होगा याद नहीं, लेकिन औंधे मुंह लेटे लेटे मेरे कंधे में दर्द होने लगा, मेरी पलकें भारी लगने लगी। इंटरकॉम पे रिंग हुई। रूम सर्विस से डिनर के लिए पूछ रहे थे। मैंने मना किया और उठकर पैकिंग करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। लगा जैसे बाहर खड़ा इंसान अब भी दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहा होगा। बैग ऐसे ही छोड़कर दरवाजा खोलते हुए मैंने कहा, आपको मना तो। आगे कुछ नहीं कह पाई। जबान जैसे तालू से चिपक गई हो। बमुश्किल एक लफ्ज निकला, मानस। सामने खड़ा मानस मुझे एक टक देख रहा था। मैंने फौरन पीठ घुमा ली। अब उसके सामने कैसे रोती। उसने आगे बढ़कर मेरे कंधे थाम लिए। मैंने आंसू पहुंच कर उसके सीने पर एक मुक्का मारते हुए कहा, ऐसे जाते हैं अपनी वाइफ को छोड़कर बीच रास्ते में। मेरे साथ तुम्हें कुटते हुए भी तो नहीं देख सकता था ना, उसने कहा तो मेरा हाथ रुक गया। यही तो जताया था मैंने कि मैं उससे कितना चिढ़ती हूं, उसको कितना नापसंद करती हूं, लेकिन वो मेरी हर जिद, मेरी हर बदतमीजी चुपचाप सहता गया। एक बात बोलूं, मानस ने कहा, मैं मना करूंगी तो नहीं कहोगे? मैंने कहा। वो बोला, आई लव दैट स्टूपिड शालू। पूरी ट्रिप में उसको ढूंढता रहा था मैं, छुप छुप के देखता था, कहीं भी वो शालू दिखी नहीं। तुम वैसी रहो ना, चुलबुली सी, बदलो मत। बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी, ऐसे ही जिंदगी भर परेशान करती रहूंगी। ये कहते हुए मैंने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। बाहर रोशनी के झुरमुट में सजा एक शहर सो रहा था, और ख्वाबों का एक शहर हम दोनों की आंखों में जाग रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।